एक गोली जो आदमी हेडेक के लिए पॉप करता है, उसने आंत के कैंसर के वापस आने के रिस्क को 50% कम किया एक नई क्लिनिकल ट्रायल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक रिमार्केबल अचीवमेंट के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, एमबीबीएस एमडी और डीएम इंस्टीट्यूट दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, कॉलन कैंसर हमारी कंट्री में रिलेटिवली एक कॉमन कैंसर है, और हम देख रहे हैं इसका इंसिडेंस ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है इन यंगर पॉपुलेशन, मेनली रिलेटेड टू द डाइट हैबिट्स ऑफ अवर पॉपुलेशन, एज इंसिडेंस ऑफ रेड मीट कंजम्पशन एंड इंसिडेंस ऑफ प्रोसेस्ड मीट कंजम्पशन इंक्रीजेस, आज के कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है ग्रेजुअली। यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो कॉलन कैंसर उनके टॉप कैंसर में से एक माना जाता है, जबकि इंडिया में इसका इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, क्लासिकली कॉलन कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसका बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर होता है। यूजली उसमें फर्स्ट स्टेप पे सर्जरी होती है और सेकंड स्टेप पे कीमोथेरेपी होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ अ स्मॉल सेट ऑफ पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी मिलती है। रिसेंटली एक बहुत बड़ी रिसर्च आई है जिसने कैंसर की दुनिया को बिल्कुल शॉक कर दिया है, और इस रिसर्च में एक्चुअली ये पाया गया कि एक सिंपल एस्पिरिन की गोली, यस वही एस्पिरिन जो लोग हेडेक के लिए लेते हैं और वही एस्पिरिन जो हार्ट पेशेंट लेते हैं, एक सिंपल एस्पिरिन की टैबलेट यदि 3 साल तक एक आंत के कैंसर का पेशेंट ले जिसमें एक पर्टिकुलर जेनेटिक बायोमार्कर है, तो इन पेशेंट में कैंसर का रिस्क ऑलमोस्ट 50% तक हम कम कर सकते हैं और पेशेंट के लॉन्ग टर्म आउटकम को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ट्रायल को अलास्का क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं, और रिसेंटली ये ट्रायल पब्लिश भी हुई है और मेडिकल काउंसिल में प्रेजेंट भी हुई है, और इस ट्रायल ने हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर को काफी चेंज किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस ट्रायल की मेन फाइंडिंग और इसका एक नॉर्मल पेशेंट के ट्रीटमेंट पे क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये अलास्का ट्रायल में क्या किया गया और क्यों किया गया। तो फ्रेंड्स, क्या देखा गया है कि एक तिहाई कॉलन कैंसर पेशेंट में एक स्पेशल जेनेटिक म्यूटेशन या पाथवे एक्टिवेट होता है जिसको बोलते हैं PI3K पाथवे या PIK3CA पाथवे, और ये पाथवे में क्या होता है कि बॉडी के कैंसर के जो सेल है उनके ग्रोथ को एक जेनेटिक रिसेप्टर है जो प्रमोट करता है, उनको ग्रो कराता है, और इसको PIK3CA रिसेप्टर पाथवे बोलते हैं। तो क्या देखा गया कि एक पाथवे और होता है बॉडी में हॉर्मोन्स का जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे बोलते हैं, और एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे का इस्तेमाल करते हैं, और देखा यह गया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स इस PIK3CA पाथवे पे एक्ट करके कैंसर के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी टैबलेट जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पिरिन मानी जाती है इसी प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे को ब्लॉक करती है। तो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जिन कैंसर पेशेंट्स में इस पर्टिकुलर पाथवे का डिफेक्ट होगा उसमें शायद प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे को हम ब्लॉक करके ट्यूमर कंट्रोल को बेटर कर सके और बीमारी को वापस आने से रोक सके। दिस वॉज द बेसिक हाइपोथेसिस बिटवीन द अलास्का स्टडी जिसके बेसिस पे स्टडी स्टार्ट की गई। इस पर्टिकुलर स्टडी में इन्होंने ऑलमोस्ट 600 से ज्यादा पेशेंट लिए जिनको बड़ी आंत का कैंसर यानी कॉलन और रेक्टम कैंसर था, जिनका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था यानी उनका सर्जरी कीमोथेरेपी रेडिएशन जो भी इनका होना था कंप्लीट हो चुका था, और पेशेंट को आगे वेट एंड वॉच में रखा गया था। इन सारे पेशेंट के ट्यूमर के टुकड़े का जेनेटिक टेस्टिंग हुआ और एक तिहाई पेशेंट में PIK3 पाथवे म्यूटेशन निकली यानी उस पर्टिकुलर पाथवे में डिफेक्ट था जो कि नॉर्मल है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। इनमें से आधे पेशेंट को एस्पिरिन की गोली यानी जो एंटीइंफ्लेमेटरी ड्रग है जो हेडेक के लिए यूज करते हैं एस्पिरिन की गोली दी गई एट अ डोज ऑफ 160 mg वंस अ डे फॉर 3 ईयर्स, और आधे पेशेंट को एक प्लेसिबो की गोली दी गई। प्लेसिबो मतलब एक नॉर्मल पाउडर की गोली जिसमें कोई एस्पिरिन नहीं था, और इन पेशेंट को फॉलो किया गया 3 साल तक देखने के लिए कि कैंसर वापस आने का रिस्क कितना है बिटवीन दीज पीपल हु टुक द टैबलेट एंड पेशेंट जिन्होंने गोली नहीं ली। तो स्टडी का फाइंडिंग बहुत ही ड्रामेटिक था। देखा गया कि कैंसर वापस आने का रिस्क एस्पिरिन की गोली खाने से ऑलमोस्ट 50% कट हो गया, यानी जिन पेशेंट में कैंसर वापस आया जिन लोगों ने गोली नहीं ली वर्सेस जिन लोगों ने गोली ली, उसमें कैंसर वापस आने का रिस्क डबल था जिन्होंने गोली नहीं ली कंपेयर टू जिन लोगों ने गोली ली, उनमें कैंसर वापस आने का रिस्क हाफ था। और सबसे ड्रामेटिक इंपैक्ट Stage 3 कैंसर पेशेंट्स पे था, जिन लोगों को हायर स्टेज का कैंसर था उनमें मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस टैबलेट था, बट इवन लोअर स्टेज पेशेंट को इस गोली से काफी बेनिफिट था, और ओवरऑल पूल पॉपुलेशन में कैंसर वापस आने का रिस्क हाफ हो गया। तो वन मोर थिंग इज यू माइट आस्क कि सर पेशेंट 3 साल तक कोई गोली ले रहा है उससे कोई उनको साइड इफेक्ट या परेशानी तो नहीं हुई। तो देखा गया कि सिवियर साइड इफेक्ट जैसे देखो एस्पिरिन से क्या पेट में एसिडिटी होती है, कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकती है, प्लेटलेट का फंक्शन इफेक्ट करता है। तो सिवियर साइड इफेक्ट जैसे सिवियर कोई ब्लीडिंग हो गई या सिवियर कोई साइड इफेक्ट हो गया, जिन लोगों ने चौक की गोली ली थी उनमें 11% था और जिन लोगों ने एस्पिरिन की गोली ली थी उसमें 17% था, यानी दोनों में सिर्फ 6% का डिफरेंस था ओवर 3 ईयर्स विच इज नॉट अ वेरी लार्ज डिफरेंस। तो इस इंटरवेंशन से हालांकि कैंसर वापस आने का रिस्क हाफ हो गया पर साइड इफेक्ट में डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा ही था यानी अराउंड 6% एब्सोल्यूट नंबर में था, विच इंडिकेट दैट्स अ सेफ इंटरवेंशन विद वेरी वेरी हाई एफिकेसी।
तो फ्रेंड्स इस स्टडी का एक आम पेशेंट पे क्या कॉन्सिक्वेंस है? सबसे पहले इस स्टडी ने ऑन्कोलॉजी की दुनिया को काफी शेकअप कर दिया। बहुत लोग इस स्टडी को देख के बहुत शॉक थे। डू यू नो कि यदि हम कॉलन कैंसर के पेशेंट को कीमो दे और कीमो ना दे तो उनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ 20-30% का है, यानी कीमोथेरेपी का बेनिफिट 20-30% है और एस्पिरिन का डिफरेंस 50% है। तो इट जस्ट शोज कि एक अच्छे इफेक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि हर थेरेपी टॉक्सिक हो। कई बार सिंपल इंटरवेंशन यदि सही पेशेंट में जेनेटिक्स को चूज करके दी जाए हम एक बहुत लार्ज बेनिफिट पा सकते हैं बहुत शॉर्ट इंटरवेंशन से। तो इट इज अ वेरी वेरी लार्ज इंप्रूवमेंट इन आउटकम जो नॉर्मली कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि एस्पिरिन जैसे सिंपल टैबलेट से हो जाए, विच हैज बीन शोन इन कैंसर पेशेंट। सेकेंड, लॉट ऑफ पीपल आर नाउ अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग द सेम ट्रीटमेंट जिन पेशेंट को सिमिलर म्यूटेशन जो PIK3CA म्यूटेशन है जो दूसरे कैंसर में है उनमें भी इसको रिसर्च में एक्सप्लोर किया जा रहा है कि क्या एस्पिरिन को दूसरे कैंसर जिनमें सेम म्यूटेशन हो यूज करके आउटकम बेटर कर सकते हैं, क्या स्टेज 4 में इस गोली को यूज करके आउटकम बेटर कर सकते हैं और जल्दी ही इन ट्रायल्स के रिजल्ट भी आने लग जाएंगे। बट ये एक बहुत ही मेजर फाइंडिंग है, एक सिंपल ड्रग जो बहुत बहुत पुराना है, एस्पिरिन मतलब 100 साल पुराना ड्रग है जो ओरिजिनली पेड़ की बाग से निकला था और इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड ड्रग, वेरी वेरी चीप ड्रग, एक सिंपल इंटरवेंशन में इतना बड़ा फायदा पा सकता है। इट वॉज वेरी वेरी रिमार्केबल फॉर ऑन्कोलॉजिस्ट। नंबर टू, कोई भी कॉलन कैंसर पेशेंट है जिसका इलाज हुआ है या इलाज चल रहा है उसको ये स्टडी अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करनी है, बात करें कि सर क्या ये म्यूटेशन मेरे कैंसर में है और यदि मेरे कैंसर में म्यूटेशन है तो क्या मुझे टैबलेट यूज करनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्पिरिन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर अदर ट्रीटमेंट। यदि पेशेंट की सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी चल रही है तो वो चलती रहेगी, ऐसा नहीं कि एस्पिरिन की वजह से वो ट्रीटमेंट का रोल डिमिनिश हो गया है। बस उस ट्रीटमेंट में हम एक दवाई एड ऑन करके पेशेंट को और अच्छा आउटकम और बेटर सर्वाइवल दे सकते हैं। तो पेशेंट जिनको कॉलन कैंसर की बीमारी है या पेशेंट जिनके कैंसर में PIK3CA या PI3K के पाथवे म्यूटेशन है उन सबको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि क्या वो एस्पिरिन को अपने ट्रीटमेंट में कंसिडर कर सकते हैं जिससे शायद उनका लॉन्ग टर्म आउटकम बेटर हो पाए, चाहे वो किसी भी स्टेज हो, इट शुड बी डिस्कस्ड विद देयर डॉक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो कोई भी थेरेपी रिस्क फ्री नहीं होती, इसमें हालांकि रिस्क बहुत कम है बट ऐसा नहीं कि जीरो रिस्क है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर से डिस्कस करे बिना मत शुरू करना। यदि आपको PIK3CA म्यूटेशन है या आपके कैंसर में म्यूटेशन है या आपको कॉलन कैंसर है तो ब्लाइंडली एस्पिरिन स्टार्ट मत कर देना। ये स्टडी के रिजल्ट जो अलास्का ट्रायल है अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करना और बोलना और उनसे पूछना कि वेदर दिस ड्रग इज राइट फॉर यू एंड ओनली इफ योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब दिस ड्रग टू यू ओनली देन यू टेक दिस ड्रग। और अप्रोप्रिएट पेशेंट में इस ट्रीटमेंट का बहुत लार्ज बेनिफिट है और पेशेंट अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और आउटकम को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन कंक्लूजन ये नई स्टडी हमारे एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट को मैच करती है जो हम इस चैनल पे बार बार बोलते हैं, वो ये है कि ज्यादा हार्ड दवाई देने से ज्यादा बड़ा सर्वाइवल नहीं है, रादर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज राइट पेशेंट राइट ट्रीटमेंट, कि भाई सही दवाई सही पेशेंट को मिलनी चाहिए। यदि आप सही दवाई से सही पेशेंट को ट्रीट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आउटकम मिलेगा और अच्छे आउटकम के लिए जरूरी नहीं कि साइड इफेक्ट झेलने पड़े। इवन लाइट ट्रीटमेंट कैन गिव वेरी गुड आउटकम अगर सही दवाई सही पेशेंट में यूज करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो कैंसर पेशेंट को हमेशा याद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है नई रिसर्च के बारे में आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिली हो और आप सोचेंगे कि इस तरह का रिसर्च आपके पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प कर सकता है। फ्रेंड्स हमारे चैनल का मेन पर्पज ये है कि वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारे कंट्री के पेशेंट को उनकी भाषा में मिले। इस मिशन में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वेरी सून वी विल कम विद वन मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।